मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5. चैप्टर 5, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक लेंगे हम मल्टीपल्स. सो मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन यू फाइंड द मल्टीपल्स. सो किसी भी डिजिट का मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए, जैसे फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ नंबर 3 या 9, फाइंड द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स, फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 9. अगर आपको 9 के फर्स्ट फोर मल्टीपल्स पूछे हैं, मल्टीपल्स में क्या करते हैं, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से बना है, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है ना, मल्टी तक दोनों सेम है, फिर प्लस हो रहा है इसमें, मल्टीपल्स हो रहा है और इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टी पी एल तक दोनों में सेम है, मल्टी प्लाई और मल्टीपल्स. देखो थोड़ा नाम से आपको देखना है मल्टीपल्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई या टेबल, तो मल्टीप्लाई से क्या बनती है, टेबल्स बनती है. सो आपको इसमें इसी तरीके से टेबल्स ही करने होते हैं और मल्टीप्लाई करना होता है, सेम चीज़ है. तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट फोर मल्टीपल्स बोला है तो आपको 9 से ही स्टार्ट, मतलब फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट करना है. 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36. सो दीज आर द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ नंबर 9. बट अगर क्वेश्चन में इस तरीके से हो, फाइंड फोर मल्टीपल्स ऑफ नंबर 9, अगर इस तरीके से हो कि फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा हो, फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट बोला जाए फोर मल्टीपल्स ऑफ 9 या कोई भी नंबर, सो तब आपको लिखना है 9 वन ज़ा 9 से नहीं लेना, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45. ठीक है, इस तरीके से अगर फर्स्ट पूछ बोला जाए, किसी भी डिजिट का फर्स्ट मल्टीपल्स बोला जाए, फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स, फर्स्ट फोर मल्टीपल्स, तो उसमें आपको स्टार्टिंग से ही इंक्लूड करना है. बट अगर फर्स्ट मल्टीपल्स नहीं बोला जाए तो आपको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, 2, 3, 4 जितने भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में. अब इसमें है, ये तो हो गए मल्टीपल्स फाइंड करना, अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है और उसमें एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स फाइंड करना, सो यहाँ पे जैसे कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है आपको नंबर 6 एंड 12 का आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. सो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ, तो पहले हम फाइंड करेंगे मल्टीपल्स ऑफ नंबर 6 के मल्टीपल्स एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 12. सो यहाँ पहले फाइंड करेंगे मल्टीपल 6 के फिर 12 के. 6 की टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60. ये मैं 10 तक लिख रही हूँ, आगे भी आप लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे थी. अब 12 की टेबल 12 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60. अब मैंने यहाँ तक ही क्यों लिखी है, इस वजह से इसका मतलब है सो ऑन आगे चलता रहेगा, है ना. तो यहाँ मैंने इस वजह से लिखी है क्योंकि इसका भी जो स्मॉलर नंबर है ना उसकी टेबल आप पूरी लिख देना, ठीक है. जो छोटा नंबर है उसकी टेबल पूरी लिख देना, जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल चाहे 5 या 6 टाइम्स तक, है ना. ये लास्ट नंबर है तो हमने भी लास्ट नंबर यहीं तक करके, आगे लिखने से मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने इसकी टेबल भी आगे नहीं लिखी. अब यहाँ पे देखो सेम कौन कौन से नंबर है, 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, 36 ये इसमें भी है, इसमें भी है, 48 भी है और एंड 60 भी है. सो कॉमन मल्टीपल्स आर
कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48 and 60. These are the common multiples of both the digit. So सबसे first common multiples find करने से पहले आपको क्या करना होगा, multiples find करना होगा जो भी given digit होंगी उनके मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको एक तरीके से टेबल्स लिखनी होती है, जिसकी टेबल्स नहीं आती है अगर आपको, तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, जितनी आपको लिखनी है उससे मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे टेबल्स को, ठीक है। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई थोड़ा सेम है ना, तो नाम से ध्यान रखना है। कन्फ्यूज यही चीज़ होती है स्टूडेंट्स में फैक्टर और मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स कहा गया है फैक्टर निकाल देंगे, 6 का फैक्टर फाइंड कर देंगे मल्टीपल्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 1 से 2 से 3 से ऐसे ना, जो भी गिवन डिजिट हो उसको। और फिर उसके बाद मल्टीपल्स फाइंड करने के बाद कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन सा नंबर ऐसा जो दोनों में कॉमन है, वो करके आपको यहाँ पे कॉमन नंबर मल्टीपल फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करने का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में ये है, और फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स में से बताना ना लोवेस्ट, तो ये 12। तो एलसीएम इसमें क्या हो गया, नंबर 12। तो एलसीएम क्या हुआ इस डिजिट का, 12 इज द एलसीएम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो मल्टीपल्स में हमें क्या करना होता है, टेबल्स लिखनी होती है आपको, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, जितने मल्टीपल्स आपसे कहा जाए उतने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स, डिफरेंस ध्यान रखना है। फैक्टर्स में क्या करते हैं, फैक्टर्स में आपको फाइंड करने के लिए किसी भी डिजिट का, सपोज आपको 16 के फैक्टर फाइंड करने हैं, सो यहाँ पे फैक्टर 16 के फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा ये 16 नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है। फैक्टर में हम देखते हैं ये नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए इससे ना। तो 1 की टेबल से हर एक नंबर होता है, तो 1 ही ऐसा नंबर है जो हर किसी की टेबल्स में वो डिवाइड हो जाता है। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में 16 आता है। अब आपको ध्यान रखना है 2 की टेबल में 8 times 16 आता है ना, 2 की टेबल में 8 times 16 आता है, तो 8 की टेबल में भी 16, 2 की और 8 की दोनों की टेबल में 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में 4 4 16, और 8 की टेबल में मैंने बताया ना यहाँ पे 2 की टेबल में आ रहा है, तो 8 की टेबल में भी आएगा, और 16 फिर अपनी ही टेबल में। तो ये फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 16 फैक्टर्स हो गए नंबर 16 के। ऐसे अगर आपको बताना हो फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे नंबर आपको बता रहे हैं 28 के फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ नंबर 28। सो यहाँ पे 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से, अब स्टूडेंट्स जो करेंगे डायरेक्ट 4 से कर देंगे ना, तो यहाँ पे 4 से पहले भी एक नंबर आएगा, मिसिंग नहीं करना आपको, 4 से पहले भी ऐसा एक नंबर है जिसकी टेबल से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। टेबल में आने का मतलब ये नहीं है कि 2 times 20 तक ही, 20 तक ही सारे नंबर्स आएंगे तभी वो 2 की टेबल में आएगा, इसके अलावा अगर बड़ा आ गया 20 से नंबर तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि वो उस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 28 2 से डिवाइड हो जाता है, कैसे चेक करेंगे, यहीं पर चेक कर लेते हैं। अगर वंस नंबर, वंस प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर ऐसा हो जो 2 की टेबल में आने वाला हो, या तो 0 हो, यानी लास्ट डिजिट अगर ऐसी हो जो 0 हो या 2 की टेबल में आने वाला हो नंबर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी हो या 0 हो एंड लास्ट नंबर, तो वो 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। 8 है तो 2 की टेबल से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना। अब ये कंफर्म हो गया, बट कितने टाइम्स 2 की टेबल से डिवाइड होगा ये नहीं पता, तो हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे दैन 2 4 8। सो यहाँ पे 2 की टेबल में 14 times 28 आता है, 2 की टेबल में 14 times 28 आता है। सो आपको ध्यान रखना है 2 की टेबल में भी 28 आएगा, 14 की टेबल में भी आएगा, इसलिए मैंने आपको डिवाइड करके बताया है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि 2 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आएगा, तो जितने टाइम्स आता है उसकी टेबल में भी वो नंबर आता है, तो 14 की टेबल में भी आएगा, ये ध्यान रखना है। और जब इसका टर्न आएगा तब आपको ये लिखना है।
इसके बाद 3 की टेबल में ये नंबर आता है या नहीं आता है, कैसे चेक करेंगे? 3 का चेक करने के लिए जो भी डिजिट होती है उन दोनों डिजिट या 3 जो भी डिजिट है उनको प्लस करो। प्लस का आंसर अगर ऐसा हो जो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना अदरवाइज नहीं होगा। 2 और 8 10 होता है, 3 की टेबल में 10 आता नहीं आता तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये 28 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की टेबल में 28 आता है कितने टाइम, 4 7 से 28। तो क्या है इसका मीन्स कि 4 और 7 दोनों की टेबल में 28 आता है ना। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 14 की टेबल में भी आता है 28 और 28 अपनी ही टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे ही और भी कोई बड़ा नंबर है, अगर आपको 64 है तो इसका कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे? 1 की टेबल में तो हर नंबर आता ही है, 2 का कैसे चेक करेंगे? लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर 2 की टेबल में आता है, यस आता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट 2 की टेबल में 64 कितने टाइम्स आएगा ये नहीं पता, तो डिवाइड करके देखो रफ में। 2 3 6, 2 2 4 कितने टाइम्स, 32 टाइम्स। 2 की टेबल में 64 कितने टाइम आ रहे हैं, 24 टाइम्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 की टेबल और 24 की टेबल दोनों में 64 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 के टेबल में ये नंबर आएगा या नहीं आएगा कैसे चेक करते हैं, दोनों नंबर को प्लस करें। प्लस का आंसर अगर 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड करके भी नहीं देखेंगे, ठीक है। 4 की टेबल से होगा या नहीं होगा, 4 की टेबल से आप कैसे देखोगे, करके देख लें। 4 1 4, 4 6 24, 4 है कितनी टाइम, 4 की टेबल में 16 टाइम्स 64 आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 4 की टेबल 16 की टेबल दोनों से ही ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके बाद 8 की टेबल में आता है ना, 8 8 64 होता है, 8 के बाद आपको डायरेक्ट कौन सा नंबर लिखना है, 16, एंड देन इसके बाद 32 और 64 अपनी ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर में भी देखना है कि कितने टाइम्स आता है, जिस छोटे नंबर का अगर आपको पता रहता है तो वैसे इजीली हो जाता है, जिसका नहीं पता होता डिवाइड करके देखो जितने टाइम्स वो दोनों नंबर की टेबल में भी वो नंबर आता है, जिस टेबल में वो आ रहा है और जितने टाइम्स आ रहा है दोनों की टेबल में वो नंबर आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, एंड जो कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर अगर आपसे यार 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हों तो सबसे फर्स्ट कॉमन फैक्टर भी करने के लिए भी, जैसे कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे तब भी हमने पहले मल्टीपल्स निकाला फिर उसमें से देखा, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले फैक्टर्स निकालो दोनों डिजिट के, फैक्टर्स फाइंड करें पहले जो भी नंबर है और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स देखें। तो इस 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 12 की टेबल में, ठीक है। कोई नंबर मिसिंग नहीं करना ध्यान से। 1 की टेबल में आता है 2 9 जा, तो 9 की टेबल में भी आएगा, 3 6 जा, 6 की टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में और 18 अपनी टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर बताना है आपको, कॉमन फैक्टर्स बताने हैं कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सी कॉमन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है, ठीक है। इसके अलावा और कोई 1 2 3 एंड 6। अब ये कॉमन फैक्टर हो गए, अब इसमें HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या है, 6। तो 6 इज द आंसर। LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करें, ठीक है, और फिर उसमें से कॉमन देखें कि कौन से हैं और फिर इस तरीके से LCM निकाले, उसमें लोवेस्ट निकाले, इसमें फैक्टर्स फाइंड करें। मल्टीपल्स में टेबल्स लिखनी होती है, फैक्टर्स में ये देखना होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, यानी उससे पूरा उसका डिवाइड चला जाता है, जिसकी टेबल से डिवाइड होगा उस टेबल में और जितने टाइम वो किसी की टेबल में आ रहा है दोनों की टेबल्स में वो नंबर आएगा। ध्यान से आपको करने हैं क्वेश्चंस को और फिर कॉमन फैक्टर्स तरीके से फाइंड करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल क्लास में आपको चैप्टर नंबर 6 तक आऊँगी। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी, डोंट डू दिस वर्क इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।